हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल बेसिकली मेरा इसलिए मैं मोटो था ये बनाने का, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आई शेडो पैलेट यूज़ की हूँ वो है मॉफी का जैकलिन हिल पैलेट। और मैं सोचा कि मैं आपको इसका डेमो भी दिखा दूँ कि हाउ मच पिगमेंटेड इज़ दिस पैलेट। तो ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड था और ये पूरा आई जो लुक मैंने क्रिएट किया वो सेम पैलेट से है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हिट द लाइक बटन ऑल्सो, यू कैन जस्ट फॉलो मी इन रोपो। सो या विदाउट वेस्टिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो फ्रेंड्स, फॉर मॉइस्चराइजिंग आई एम जस्ट यूजिंग निविया क्रीम। ये थिक क्रीम होती है और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्रीम है। और मैं डेफिनेटली आपके साथ एक वीडियो शो करूँगी जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि कौन कौन से मॉइस्चराइजर आर बेस्ट फॉर विंटर्स। तो मैं सबसे पहले अपने टी जोन में लगाऊंगी, क्योंकि आज कल मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा बनाती हूँ तो उसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है मेरे टी जोन एरिया में। तो सबसे पहले मैं उसी में जगह लगा रही हूँ और पूरे अपने फेस में स्प्रेड अप कर लूँगी अच्छे से। तो मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स, प्राइमर के लिए आई एम जस्ट यूजिंग एलोवेरा जेल और ये केसर वाला है। मैं फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रही हूँ। मैं नॉर्मली ग्रीन वाला यूज़ करती थी, लेकिन इस बार मैं सोचा कि मैं गोल्डन वाला यूज़ करूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं इसे अपने टी जोन में लगा लूँगी। और विंटर्स में आपको ज़्यादा प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप कोई भी या फिर निविया का आफ्टर शेव बाम भी यूज़ कर सकते हैं और आप पतंजलि का एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है प्राइमर की तरह। तो मैं इसे लगा लूँगी और डैबिंग मोशन में इसे करूँगी। आपको रब नहीं करना है वरना आपका मॉइस्चराइजर और प्राइमर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप कंप्लीट करूँगी। तो आई मेकअप को स्टार्ट करने से पहले मैं यूज़ करूँगी मार्स का कंसीलर पैलेट और इसमें से जो येलो शेड है उसको मैं यूज़ करूँगी। आई नो कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइट है मेरे आई लिड के हिसाब से, लेकिन मेरे को अपना आई शेडो को पॉपअप दिखाना है इसलिए मैं येलो वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। तो देख सकते हैं मैं इसे अपने फिंगर टिप्स की मदद से पूरे आई लिड एरिया में लगा लूँगी अच्छे से। आप चाहे तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस पैलेट को यूज़ कर लूँ, ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट इंप्रेशन भी हो जाएगा। और उसके बाद एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड अप कर लूँगी। और ये ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा पिगमेंटेशन है इसका, कितना अच्छा कवरेज दे रहे हैं। तो आप इस तरह के पैलेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे पैलेट होते हैं। और मैंने इसका रिव्यू अपने चैनल पे अलग से कर रखा है, प्लीज़ वहाँ पे जाके ज़रूर से देख लीजिएगा इस पैलेट का रिव्यू। वहाँ पे मैंने इस पैलेट के बारे में सब कुछ बता रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं कॉम्पैक्ट की मदद से अपने ये कंसीलर को सेट कर लूँगी अच्छे से, ताकि मेरे जो आई शेडो है वो क्रीज अप ना हो। तो देख सकते हैं मैंने इस तरीके से क्रीज कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने टेप लगा चुका है, ताकि ये वाली टेप टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद मैं जैकलिन हिल का पैलेट ले रही हूँ और ये फर्स्ट इंप्रेशन है मेरा। तो इसमें से सबसे पहले मैं ये वाला कलर ले रही हूँ, पूरे आईलिड में लगा लूँगी अच्छे से। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये ब्राउन कलर का ले रही हूँ, लाइट ब्राउन। इसे मैं एज अ ट्रांजिशन कलर लगाऊंगी और एक्सेस को डस्ट ऑफ कर लूँगी, सिर्फ अपने क्रीज लाइन पे फोकस करूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे पिगमेंटेड हैं, आई जस्ट लव दिस। मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया कैमरा ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो इस तरीके से मैं सिर्फ अपने ट्रांजिशन एरिया में, लाइक उधर क्रीज एरिया पर लगा लूँगी अच्छे से, सिर्फ वहीं पर फोकस करूँगी। तो देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये रेड कलर का ले रही हूँ एज अ सेकंड ट्रांजिशन कलर, क्योंकि मैं अपने जो मेरा आई लुक है उसको मैं थोड़ा सा डेंस दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव अ हुडेड आई, सो आई हैव अ मेनी प्रॉब्लम्स कि मेरा आईलिड बहुत छोटी पड़ जाती है कलर सप्लाई करने के लिए। तो मैं अपने फेक थोड़ा सा ट्रांजिशन दिखाऊंगी। उसके बाद मैं एक ग्रीन कलर ले रही हूँ, क्योंकि मेरी ड्रेस के हिसाब से ग्रीन कलर मैचअप हो रहा है। और मैं एक एंगल फ्लफी ब्रश की मदद से अपने सिर्फ आउटर वी पे फोकस करूँगी ये ग्रीन कलर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये टेप वाली टेक्निक इसलिए अच्छी काम आती है क्योंकि इससे आपका एकदम साफ आता है आपका फॉल ऑफ, जो मतलब आपका इधर आपको एक तरीके का डेफिनेट पता रहता है कि आपको किस कहाँ तक आपका जो आई शेडो वो लगाना है। अदरवाइज अगर आप बिना उसके करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा और आप मैसअप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा बेस्ट लगती है मुझे। तो आपको इस तरीके से मैंने अपने आउटर वी पे से फोकस कर लिया है। और इसका जो, अगर मैं इसकी पिगमेंटेशन की बात करूँ, पिगमेंटेशन लाइक ऑसम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेशन है इसका। तो आप मस्ट बाय है, 400 रुपीज़ में फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छा पैलेट मिल रहा है, सो जस्ट गो फॉर इट। उसके बाद फ्रेंड्स, ये सिल्वर वाला लुक क्रिएट, सिल्वर वाला कलर लूँगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इसमें अपना ये थोड़ा सा लुक लाना था कि थोड़ा सा एकदम कट टाइप का करना था। तो मैं इसे सिर्फ हाफ कट करूँगी अपनी क्रीज को, सिर्फ हाफ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली मैंने फ्लैट शेडर ब्रश की मदद से अप्लाई किया, लेकिन इसका पिगमेंटेशन इतना नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसे दोबारा किया, तो आपको पता है कि शिमर्स का इतना जल्दी पिगमेंटेशन आता नहीं है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि एक मैं आपको टेक्निक दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक रहती है, आपको पता भी होगा शायद से इसके बारे में। तो मैं क्या करूँगी
अपना एक DIY सेटिंग स्प्रे की मदद से अपने ब्रश को मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया ताकि जो उसका वो आराम से इसको उठा सके और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर सके। तो मैं इसे एकदम डिपॉजिट कर रही हूँ, मैं इसे रब नहीं करूँगी, इसे डिपॉजिट कर रही हूँ अपने क्रीज पे। तो देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी अच्छे से पिगमेंटेशन आ जाता है। तो ये वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी है फ्रेंड्स, आप इसे प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आप इस तरह का लुक क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सही लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स एक साफ ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं जितने भी हार्श लाइन ऊपर क्रिएट हुआ है क्रीज एरिया तक वहाँ से इसे अच्छे से ब्लेंड अप कर लूँगी ताकि हार्श लाइन्स दिखे ना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये ब्लैक कलर ले रही हूँ अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए। मैं यहाँ पे आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिंपल ब्लैक कलर ले रही हूँ। तो आप इस तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आई शेडो से ब्लैक कलर या ब्राउन कलर पिकअप करके अपने आईब्रो फिल कर सकते हैं। ये भी टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें आपको अलग से आईब्रो किट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स जो ये मैं इसे फिल कर रही हूँ ये मेरा हुडा ब्यूटी का ब्रश है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स स्पूली की मदद से मैं इसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी ताकि जो एक्सेस पाउडर पाउडर जो है आई शेडो है वो डस्ट ऑफ हो जाए और इस तरीके से ब्लेंडेड लगे पूरा ब्राउज मेरे, तो देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आईलाइनर के लिए ले रही हूँ कलर गर्ल का आईलाइनर, और ये जस्ट 30 रुपीज़ का है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है, जेट ब्लैक, और मैं इसी से अपना विंग आईलाइनर क्रिएट करूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा विंग्ड बन जाएगा। फ्रेंड्स इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप विंग्ड आईलाइनर बनाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक अपने आई पे ज़्यादा फोकस करना चाहती थी इसलिए मैं ये वाला विंग्ड आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं फ्रेंड्स यहाँ पे ले रही हूँ मस्कारा, मस्कारा के लिए आई एम जस्ट यूजिंग 7 इसका मस्कारा, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा है, बहुत ही पर्सनली फेवरेट है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं ऑफ कैमरा जाके अपने फेक आईलैशेस भी लगा लूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स फाउंडेशन के लिए आई एम जस्ट यूजिंग लैक्मे का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन, और इसमें मैं शेड है नेचर मार्बल। तो मैं एक फ्लैट ब्रश की मदद से इसे पूरे फेस में अच्छे से ब्लेंड अप कर लूँगी। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना ये फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स आपको ब्लेंडिंग में लाइक 10 से 20 मिनट्स तो आराम से देना है, जितना अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे उतना ज़्यादा फाउंडेशन आपका फ्लॉलेस बेस रहेगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देना है। और यहाँ पे मैं अपने बालों को थोड़ा सा ऊपर उठा के कर लूँगी क्योंकि मेरे बाल थोड़े से आगे आ जाते हैं तो उससे थोड़ा अलग अलग लगने लग जाता है। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ वहाँ पे क्रीज अप हो सकता है मैं वहाँ पे अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ, नोज़ में भी कर लूँगी, वरना अदरवाइज हम लोग नोज़ के सेंटर पार्ट को भूल जाते हैं और वो अलग से दिखता है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से पूरे फेस को अच्छे से सेटअप कर लूँगी। चाहे फ्रेंड्स विंटर हो समर, सो यू हैव टू सेट योर बेस, अदरवाइज इट विल गोइंग टू मेक अ क्रीज। तो आपको क्रीज नहीं करना है और अपना अपना फाउंडेशन केकी होने से बचाना है तो प्लीज़ सेट कर लीजिए, चाहे लूज पाउडर से कीजिए, चाहे कॉम्पैक्ट से कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन पक्का ज़रूर से कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स फॉर कॉन्टोरिंग आई एम जस्ट यूजिंग मास्क कॉन्टोर पैलेट, और इसमें से ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ एज अ कॉन्टोर। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा, मतलब मुझे कॉन्टोरिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने कॉन्टोर कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स ब्लेंड भी मैं सेम ब्रश की मदद से कर रही हूँ, और ये जो ब्रश से मैं कॉन्टोर कर रही हूँ ये थोड़ा सा एंगल्ड है, फ्लैट एंगल्ड है, जो कि कॉन्टोरिंग के लिए परफेक्ट रहता है। उसके बाद मैं आई एम जस्ट यूजिंग जॉ लाइन टू कॉन्टोर ताकि वो भी थोड़ा सा चिजल अप लगे और जो मेरा एकदम फेस फैट है वो थोड़ा सा स्लिम ट्रिम लगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं फॉरहेड में भी कर लूँगी ताकि वहाँ से मेरा जो फेस है वो थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ नेचुरली है, अदरवाइज वो आर्टिफिशियल लुक आने लग जाता है फाउंडेशन की उससे। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक छोटा सा ब्रश लेके मैं अपनी नोज़ को कॉन्टोर कर लूँगी अच्छे से। तो नोज़ को कॉन्टोर करूँगी सेम उससे, लाइट कॉन्टोर कर रही हूँ, एकदम हार्श कॉन्टोर नहीं कर रही मैं, एकदम लाइट कॉन्टोर कर रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स फॉर ब्लश आई एम जस्ट यूजिंग मास्क है, फायर ब्रश सेट आता है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसमें सबसे लाइट पिंक वाला कलर ले रही हूँ फॉर ब्लश क्योंकि ये देख सकते हैं कितना अच्छा पिगमेंटेशन है इसका।
तो वेगा का ब्रश ले रही हूँ ये ब्लश ब्रश की मदद से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लफी है, फ्लफी ब्रश की मदद से ही आप हमेशा ब्लश यूज़ कीजिए, तो इससे इवन लगेगा, अदरवाइज आपका पैचेस में आ जाता है। तो देख सकते हो ऐसे ब्लेंड कर लूँगी मैं कॉन्टोर और इसको दोनों को अच्छे से। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं ले रही हूँ मार्स का यहाँ पे 3D हाईलाइट पैलेट, और इसमें से ये जो व्हाइट शेड है इसको यूज़ कर रही हूँ एज अ हाईलाइटर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाईलाइटर पैलेट है। 175 रुपीज़ में फ्रेंड्स आपको मिलेगा ये वाला पैलेट, तो इट्स लाइक वेरी गुड, तो आप इसे पक्का ले सकते हैं। अपने ब्रिज ऑफ द नोज क्यूपिड्स बो को भी अच्छे से कर लूँगी और थोड़ा सा फॉरहेड में भी कर लूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स एक पेंसिल ब्रश की मदद से यहाँ पे मैं अपने इनर कॉर्नर्स को भी अच्छे से कर लूँगी और थोड़ा सा ब्राउ बोन को भी लगा लूँगी हाईलाइट, ताकि वहाँ का पोर्शन मेरी भी हाईलाइट हो जाए। उसके बाद फिंगर्स की मदद से इसे ब्लेंड कर लूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं काजल ले रही हूँ एडियस की। आई नो ये आईब्रो पेंसिल है लेकिन ये काजल भी बहुत अच्छा करती है, लेकिन क्योंकि आईब्रो पेंसिल मैं इसे यूज़ नहीं कर रही क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जेट ब्लैक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रही है, क्योंकि आप इसे हल्के हाथों से भी लगाएंगे ना तब भी ये बहुत ज़्यादा डार्क कर दे रही है ब्राउज़ को। तो मैंने सोचा कि मैं इसका ऑल्टरनेटिव यूज़ करूँ, तो मैंने इसे लगा लिया अपने आईलेट में, वाटर लाइन में सॉरी। उसके बाद फ्रेंड DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपने फेस को सेट कर लूँगी पूरा इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स एक ब्रश लूँगी और एक्सेस को इसे डैब डैब मोशन में इसे कर लूँगी, ताकि वहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स जैसा कुछ दिखे ना और मेरा पूरा मेकअप सेट हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स लिपस्टिक लिए आई एम जस्ट यूजिंग दिस एडीएस की फूसिया पिंक। और सो फ्रेंड्स ये है मेरा पूरा फाइनल मेकअप लुक। आई होप कि आपको ये वाला लुक पसंद आ रहा हो। अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हिट द लाइक बटन ऑल्सो। यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन रोपोसो ऑल्सो। सो या फ्रेंड्स टिल देन बाय बाय।